हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिस तरह देखा जाए तो लगातार एक ऐसा ही मामला वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत आया, जो कि लालमन कोटा गांव का है। जब मैंने पिंकी से बात किया तो उनका कहना है, आरोप है कि मेरा घर जो जिला जौनपुर है और मेरी शादी लालमन कोटा शिवम के साथ 26/4/2001 में हुई थी, लेकिन जब मैं घर दोबारा गई तो मेरे पति ने मार करके मुझे भगा दिया। और उनका कहना है कि जब तक 5 लाख रुपया नहीं लेकर आओगी हम घर में नहीं घुसने देंगे। इसको लेकर के पीड़िता जो है कि चोलापुर थाने पे आई और उन्होंने अपने न्याय के लिए गुहार लगाई। कहाँ पे हुई थी शादी? लालमन कोट। किसके साथ हुई थी, कब हुई थी? शिवम सिंह के साथ, 26 अप्रैल। आपके साथ परिवार वालों ने? दहेज के लिए मारपीट। दहेज में क्या मांग थी? दहेज में जो मांग थी सब कुछ दिया लिया गया था, उसके बाद भी मार पीट के हमसे 5 लाख रुपए की मांग की गई, ना देने पे रोज मारा पीटा गया। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसकी सूचना आपने कहाँ दिया, किस थाने पे? चोलापुर। क्या बोली है प्रशासन? मुकदमा दर्ज कराने के लिए। इसमें कैसी तबीयत है आपकी? इस समय चक्कर आ रहा है, हमको दर्द हो रहा है। सारे सामान हम दिए हैं। फिर क्यों ऐसा किया है? सामान में कोई कमी नहीं है, कम से कम 2 पिकअप सामान हम दिए हैं उसके घर पर। बाकी फिर भी कहा कि 5 लाख रुपया मांग के लिए, वो तो हम रखेंगे उसके, नहीं तो नहीं रखेंगे। ननद सास उनके आदमी। कभी बच्ची पहले शिकायत भी किया था कि मतलब पहली बार की है? नहीं, शिकायत एक बार किए थे तो हम जो ना आज के जो ना 12 तारीख के हम घर पर ले गए थे, फिर उसके बाद जो ना समझौता हुआ वकील के सामने, 8 लोग के सामने समझौता हुआ कि माँ अब भाई आदमी दोनों साइन करके घर पर ले गए कि अब हम नहीं सलूक करेंगे, अच्छे से रखेंगे। दहेज के लिए सब कुछ दिया था, कुछ कमी नहीं किया था। फिर उन्होंने क्या किया बच्ची के साथ, किस तरह सा? अभी देखो बच्ची के साथ में ये सलूक है कि उसके पास कुछ नहीं है, दबाव डाल रहा है कि तुम मांगो पैसा इतना लाओ हम इतना करेंगे। हाँ, अभी सुलझाव किया था बाकी वो माना नहीं, चोलापुर दिया था, हम ही लोग रोकवा दिए थे कि अभी कुछ करना मत। हाँ, अब क्या चाहते हैं, क्योंकि बच्ची की देखें स्थिति तो बहुत खराब है। बच्ची को अब वहाँ भेजने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या लगता है? अभी तो कह रहे हैं कि मुकदमा करेंगे, जाए के कापी लेने, देखिए क्या करते हैं। क्या लगता है, बच्ची इंसाफ मिल पाया? लगता तो है मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए माँ के साथ, बेटे के साथ और ननद, जो ननद है लड़की का। क्या मामला है? उनका आरोप है कि हमें मारा पीटा गया था और दहेज की मांग भी है, तो क्या मुद्दा है, क्यों ऐसा है, क्या हुआ था? मुद्दा तो कुछ नहीं है, अब उनका जो है कि लड़की है भाई, कुछ जो भी कहे वो वही मान लीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई बात तो है नहीं। अच्छा, उनका कहना कि बहुत मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग तो जो है कि पसपरानी है, शादी ब्याह हुआ कायदे से रखने के लिए ना। देखिए मतलब ये है नदी, बस ये है कि एक दिन वही मतलब कि भैया से मुंहबाजी बहुत झगड़ा कर रही थी, भैया उसी बस ये पड़ाका गुस्सा कर बस मार दिए, उसी के लिए फोन कर दी पुलिस 112 पे। अब फोन कर हम लोग का सबको मतलब फंसा रही, हम लोग का सीधा साधा परिवार है, लेकिन हम लोग रोइए मत, बताइए थोड़ा से, मतलब उनका भी कहना कि दहेज की भी मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वो ले जाना चाहते हैं या नहीं? देखिए दीदी ये बात है कि हम लोग तो अच्छे से लग रहे, लेकिन झूठी ब्लेम लगा कर हम लोग को फंसा रहे। अच्छा अच्छा, आप क्या चाहती हैं बताइए थोड़ा से, कि मतलब ले जाना चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी, क्या वजह है?
दीदी हम लोग तो लाना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है हमको नहीं पता। पता क्यों ये रीजन हम नहीं जान सकते। हमारा भाई एक बस निर्दोष, मेरे हमारे सीधे साधे परिवार के साथ बहुत अन्याय कर रही है दीदी। इस समय आपके भाई कहाँ हैं? वहीं पे गए हैं, वो बुला दी थी पुलिस को फोन करके, वहीं पे गए हैं दीदी। अच्छा अच्छा हमारे घर पे मेरे पापा सीधा साधे, हम लोग सीधे साधे, हम लोग तो बताइए वो ऐसे कर रही है, हम क्या बताएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।